साथियों, कल हमने भृगु बिंदु की कैलकुलेशन करना सीखा था और ग्रहों को भचक्र में घूमने में लगने वाले समय के विषय में जाना था। जो शेष जानकारियां रह गई थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को गहराई तक जानने के लिए उसके सभी पहलू जानना जरूरी है। लेकिन जो साथी आज पहली बार चैनल पर आए हैं, उन्हें पूरी विषय वस्तु को समझने के लिए प्रथम वीडियो को भी देखना पड़ेगा। उसके बिना वे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आधी जानकारी उस वीडियो में है और बाकी की आधी इस वीडियो में रहेगी। राम राम साथियों, मैं बीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, जो दर्शक आज पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। साथियों, भृगु बिंदु का निष्कर्ष निकालते समय इन पांच बातों का ध्यान रखते हुए विचार करना चाहिए। प्रथम भाव, दूसरे राशि, तीसरा नवांश, चौथी युति वाले ग्रहों के बारे में और पंचम दृष्टि देने वाले जो ग्रह हैं, तो इन सब का भृगु बिंदु का प्रभाव देखते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लें भृगु बिंदु आपके तीसरे भाव में आ रहा है, तो आप देखें वहां पर राशि कौन सी है। मान लें कि वहां पर राशि मकर है। अब हम देखेंगे कि वहां कौन सा नवांश है, तो मान लेते हैं कि नवांश भी पुष्कर है। क्या वहां पर कोई ग्रह है? हाँ है, सूर्य मंगल बुध के साथ है। अब तीसरे भाव से संबंधित जितने भी विषय हैं और तीसरे भाव को देखने वाले जितने भी ग्रह हैं, तीसरे भाव से संबंधित विषय और व्यक्तियों का तथा तीसरे भाव का राशि स्वामी मकर राशि होने से शनि देव बने, तो मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव जिस भाव में होंगे उसके विषय और शनि के कारक तत्व के बारे में भी जानना होगा। वहां पर सूर्य बुध और मंगल के कारक तत्वों का भी जातक के जीवन में मुख्य स्थान रहेगा। भृगु बिंदु यदि पुष्कर वंश में है तो जातक अपने जीवन में सफलता, जश और प्रतिष्ठा अवश्य ही प्राप्त करेगा। बुध शुक्र ये तेज गति वाले ग्रह हैं। ये शुभ लाभकारी और बहुत महान परिणाम दे सकने वाले ग्रह हैं। बुध और शुक्र शुभ ग्रह होने से शुभ परिणाम ही देंगे, जैसे संबंधियों से भेंट हो जाएगी, धन संपत्ति का लाभ हो सकता है, छोटी तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, उत्सव हो सकते हैं, आनंद का माहौल हो सकता है और आपके आसपास आनंदमय वातावरण हो सकता है। मित्रों रिश्तेदारों से प्रेम प्यार भरे निकट के संबंध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो लंबे समय से आपके किसी के साथ विवाद चल रहे थे, उसके बाद संबंधों में सुधार आ जाना, ये बुध शुक्र के समय होना संभव है, क्योंकि इनकी अवधि थोड़े समय की होगी। तो धन का जो थोड़े समय के लिए फिर आपको लाभ भी मिलेगा, जैसे मैंने अभी कहा कि इन ग्रहों की अवधि कम होती है, इसलिए इनकी अवधि के वक्त तक के समय के दौरान ही ये शुभ घटनाएं घटेंगी। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, जीवन में मधुरता आ सकती है, करीबी संबंधियों के साथ खुशियां मना सकते हैं और छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, संगीत का लाभ ले सकते हैं, विद्या बुद्धि का लाभ मिल सकता है आपको। बृहस्पति ग्रह एक मध्यम गति वाला ग्रह है, शुभ है और लाभकारी ग्रह है, जो कि अच्छे परिणाम दे सकता है। जब भी शुभ ग्रह गुरु गोचर में भृगु बिंदु को प्रभावित करेगा, अर्थात वहां से गुजरेगा जहां अपनी दृष्टि देगा, तो अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। जैसे शिक्षा में उन्नति मिल सकती है, रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, किसी की संतान का जन्म हो सकता है, नौकरी में पद की उन्नति हो सकती है, व्यवसाय में लाभ हो सकता है, कल कारखानों का विस्तार हो सकता है, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं और लंबी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत समय से आपकी जो इच्छाएं अधूरी पड़ी थी, आपकी जो अधूरी पड़ी हुई अभिलाषाएं हैं, उनकी पूर्ति हो सकती है। मित्रों और साथियों की सहायता से, उनके माध्यम से आप परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। मनोवांछित कार्यों में आपको सिद्धि मिल सकती है। लंबे समय से चलने वाले रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। सूर्य और मंगल ये अशुभ ग्रह हैं और क्रूर भी हैं, इसलिए प्रतिकूल परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि
सूर्य की अवधि 1 महीने के लिए होगी और मंगल की अवधि 1.5 महीने के लिए होती है, लगभग 45 दिन की। इसलिए इसी समय के दौरान जो भी परेशानियां होंगी वो परेशानियां इतने समय के लिए ही होंगी। जैसे छोटी मोटी बीमारी लग सकती है, चोट लग सकती है, आपके अंदर तनाव रह सकता है, निकट संबंधियों के साथ अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए मनमुटाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को गलत समझ सकते हैं। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह है और अल्पकालिक रोग भी दे सकते हैं, दुर्घटना दे सकते हैं, या फिर गलत फहमी से विवाद हो सकता है निकट संबंधियों में या फिर आपके जीवन साथी के साथ। थोड़े समय क्या वैर विरोध या दूरी हो सकती है या फिर आपको पैसों की हानि हो सकती है। अब राहु और केतु के बारे में जानेंगे। राहु और केतु एक राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं और 18 सालों में ये पूरे आकाश का एक चक्र लगा लेते हैं। इनके द्वारा दी गई परेशानियां भी इतने समय के लिए अर्थात 1.5 साल के लिए तो लगातार होंगी, क्योंकि राहु केतु क्रूर और अशुभ ग्रह हैं और ये अकस्मात घटनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। आकस्मिक शुभ लाभ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही देंगे, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकते हैं। विषैला कीड़ा या कोई भी विषैले जीव जंतु वो काट सकते हैं, मानसिक पीड़ा दे सकते हैं, आयकर टैक्स विभाग का छापा पड़ सकता है, बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हो सकती है, सरकार की तरफ से प्रताड़ना मिल सकती है, नौकरी में पद अवनति हो सकती है या बर्खास्ती हो सकते हैं या नौकरी का छूट जाना भी हो सकता है, घर वालों से या फिर जीवन साथी से मतभेद भी हो सकते हैं। किंतु राहु केतु क्योंकि अचानक फल देने वाले ग्रह हैं, ये शुभ अशुभ दोनों तरह के फल देते हैं, ये नहीं है कि हमेशा ही अशुभ फल देंगे। इनकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है ये बात उस पर भी निर्भर करेगी। ये सकारात्मक और परेशान करने वाले दोनों तरह के परिणाम दे सकते हैं। नीला तथा धुएं जैसा रंग अचानक आपको प्रभावित कर सकता है, जिस विषय के बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, ऐसे अनपेक्षित कार्य बड़े पैमाने पर और अचानक स्रोतों से अचानक ही लाभ हानि हो जाए, आप समझ ही ना पाए कि ये आकस्मिक लाभ हानि क्यों हो रही है। मानसिक तनाव दे सकते हैं, चोरी हो सकती है, किसी गलत सोच की वजह से या गलत फहमी की वजह से आपसी तनाव उठ सकते हैं, सांप या विषैले कीड़ों के द्वारा हानि हो सकती है, समाज में इनका प्रभाव नरसंहार के रूप में भी हो सकता है और सरकार के द्वारा आवश्यक आश्वासन भी मिल सकता है और सरकार के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा सकता है। संपत्ति बन भी सकती है, संपत्ति की या धन की चोरी भी हो सकती है, आपके रोजगार में उथल पुथल हो सकती है, हो सकता है आपको बड़ा पद मिल जाए, हो सकता है जो है वो भी छूट जाए। शनि देव एक राशि पर लगभग 2.5 साल रहते हैं और पूरे भचक्र को, पूरे आकाश को 29.5 सालों के आसपास, लगभग 30 साल कह रहे, एक चक्र पूरा लगा लेते हैं। इस कारण जब भी भृगु बिंदु से ये गुजरेंगे तो 2.5 साल का समय तक होता ही है इनका, इसलिए लंबे समय तक ये प्रभाव डालेंगे। शनि क्योंकि एक क्रूर ग्रह है और वह प्रतिकूल परिणाम देंगे, जैसे लंबी बीमारी, जीवन साथी से असहमति या फिर उसकी बीमारी, जीवन साथी से वियोग करवा सकते हैं, धन संपत्ति की आकस्मिक हानि दे सकते हैं, निकट संबंधी की मृत्यु हो सकती है, हो सकता है स्वयं जातक की ही मृत्यु हो जाए। शनि दीर्घकालिक रोग दे सकते हैं, स्वयं के लिए घातक हो सकते हैं, जमीन पर कब्जा या फिर व्यवसाय में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि काम का छूट जाना, अनचाही चीजों का आदान प्रदान हो जाना, अचानक से अच्छे संबंधों में दरार आ जाना। भृगु बिंदु पर ग्रहों का विश्लेषण करते समय हमें अपनी जन्म पत्रिका में पड़े हुए ग्रहों की स्थिति के बारे में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी ग्रहों के प्रभाव बता रहे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, उन ग्रहों का हमारी पर्सनल कुंडली में कैसा स्थान है। जैसे ग्रह हमारी कुंडली में होंगे वैसा ही उनका प्रभाव शुभता या अशुभता लिए हुए होगा, अर्थात जब कभी भी ये ग्रह हमारे भृगु बिंदु से गुजरेंगे तो उस समय जो घटनाएं घटेंगी उनका प्रभाव हमारे जन्म समय के ग्रहों के हिसाब से होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बृहस्पति और शुक्र या फिर बृहस्पति और बुध या फिर शुक्र और बुध या दोनों ही एक साथ हो, या कभी कभी ये तीनों ग्रह एक साथ भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर में या युति करके या फिर उसे तीनों ग्रह अपनी दृष्टि देकर
अनुकूल परिणाम के प्रभावों को अत्यधिक मात्रा में उच्च स्तर तक शुभ कर देंगे। इसी प्रकार सूर्य मंगल, सूर्य और शनि, या फिर शनि और मंगल, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, या फिर दोनों एक एक करके, या ये तीनों ग्रह बारी बारी से भृगु बिंदु के ऊपर से गुजर सकते हैं, मतलब वहां ज्योति दे सकते हैं, या फिर कहीं दूर बैठकर अपनी दृष्टि के द्वारा भी ये प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में अकारक ग्रह हैं, तब तो परिणाम और भी भयंकर होंगे, क्योंकि ये स्वयं है भी क्रूर और दूसरा हमारी कुंडली के लिए शुभ भी नहीं है। यदि शुभ है तब बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, तब आपको तरक्की भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अशुभ है तो प्रतिकूल परिणाम की अगर दे रहे हैं तो वो परिणाम बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे, इन्हें और भी अत्यधिक उच्च स्तर तक अशुभ बना देते हैं। किंतु याद रहे कि भृगु बिंदु की राशि का स्वामी, चाहे वो क्रूर है चाहे वो शुभ है, जो राशि स्वामी है अर्थात भृगु बिंदु की राशि का स्वामी सदैव ही अच्छे परिणाम देगा। जिस राशि की बात कर रहे हैं उस राशि का स्वामी जब कभी भी उस बिंदु से गुजरेगा तो वो चाहे अशुभ ग्रह हो चाहे अकारक ग्रह हो, तब भी भृगु बिंदु से गुजरते समय उस समय के दौरान जातक को अच्छे परिणाम ही देगा। वह जन्म कुंडली निर्बल है, बहुत ही कमजोर है, नीच राशि का है, तब हो सकता है कि इसके परिणामों में थोड़ी सी अशुभता आ जाए। यदि जन्म कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह और भृगु बिंदु एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में होते हैं, तब भी ये अच्छे और मंगलकारी परिणाम देते हैं। एक निर्बली ग्रह जब भृगु बिंदु के ऊपर गोचर करता है तो अपने स्वामित्व वाले भाव से संबंधित अशुभ परिणाम देता है, मतलब निर्बल ग्रह जो है जिन भी भावों का वो स्वामी होता है उन भावों के लिए बुरे परिणाम देगा। किंतु यदि अशुभ भावों के स्वामी, उन्हें तो हम अशुभ बोलते ही है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अशुभ भावों के स्वामी यदि जन्म कुंडली में निर्बली भी हैं, अशुभ भावों के स्वामी निर्बली होना अच्छा गिना जाता है, यदि वो निर्बली हैं और भृगु बिंदु से भी छठे या आठवें स्थान पर पड़ते हैं, तब जब भी वो ग्रह यहाँ से गुजरेंगे, भृगु बिंदु के ऊपर से गुजरेंगे, तो अपने स्वामित्व वाले भाव के संबंध में फिर वह अशुभ परिणाम नहीं देंगे। इसे एक बार फिर से मैं धीरे धीरे बोलकर समझाऊंगी। जो निर्बल ग्रह होते हैं, कमजोर ग्रह होते हैं, वो भृगु बिंदु से गुजरते समय बुरा प्रभाव देते हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और है, वो ये है कि जो निर्बल ग्रह है, अशुभ ग्रह है, भृगु बिंदु से छठे और आठवें भाव में भी पड़ रहे हैं। अब दो चीजें होंगी ना, जब कभी भी वो भृगु बिंदु से गुजरेंगे तो अपने स्वामित्व वाले भाव संबंधी फिर वे अशुभ परिणाम नहीं देंगे। अब हम जानेंगे कि अलग अलग भावों में भृगु बिंदु का फल क्या होता है। केंद्र के भाव होते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। यदि केंद्र के भावों में भृगु बिंदु हो तो व्यक्ति को सुखमय तरीके के साथ, कम प्रयासों के साथ जो आरंभिक उपलब्धियां होती हैं वो मिल जाती हैं। व्यक्ति को जीवन में चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर भृगु बिंदु त्रिकोण में हो, केंद्र में भी उसने अच्छा फल दिया था, त्रिकोण में और भी अच्छा फल देने वाला है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में भृगु बिंदु उसके पंचम भाव में या नवम भाव में आ रहा है तो व्यक्ति की इस जन्म की और पिछले जन्म की ऊर्जा को जोड़ देगा वो। इस तरह व्यक्ति की पिछले जन्म की कोई भी जो अधूरी इच्छा रह गई होगी, वह इच्छा त्रिकोण में आया हुआ भृगु बिंदु पूरी करने में सहायता करता है। त्रिकोण में एक, पांच और नौ भावों में भृगु बिंदु कर्म के जबरदस्त उपाय को प्रदर्शित करता है। त्रिकोण में आया हुआ भृगु बिंदु प्रशिक्षण, स्किल्स, चीजों को सीखना और उनकी अंतर्दृष्टि का एक बहुत बड़ा सूचक होता है। भृगु बिंदु यदि 6-8-12 भावों में हो तब तो बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अवसर तो मिलते हैं किंतु उन अवसरों पर कुछ अच्छा कार्य वो नहीं कर पाता, वो हमेशा ही चूक जाता है। किसी ना किसी नकारात्मकता के चलते जातक जीवन में मिलने वाले अवसरों को ऐसे ही बेकार में गवा देता है। अतः जिन जातकों का भृगु बिंदु 6-8-12 भावों में आता है, उन्हें किसी भी कीमत पर उन अवसरों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनका भाग्य ही वे अवसर होते हैं। दुख स्थान 6-8-12 में भृगु बिंदु रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयासों के जबरदस्त उपाय के साथ
देर से सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं। सिद्धि मिलेगी किंतु देरी से मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। भृगु बिंदु यदि दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और ग्यारहवें भाव में हो तो व्यक्ति को कुछ नया करने की प्रेरणा तो मिलती है, किंतु उसे वो प्राप्त करने के लिए, उसके लिए उसे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। अब हम जानेंगे सभी भावों में एक एक करके कि भृगु बिंदु होने से व्यक्ति पर क्या असर होगा, उसका भाग्य किस तरह का होगा। पहले भाव में भृगु बिंदु होने से व्यक्ति सदैव अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगा रहता है। व्यक्ति का कर्म उसके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्म ज्ञान की तरफ लगा रहता है। व्यक्ति का भाग्य उसके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि पर निर्भर करता है। मेरे एक नॉन पर्सन है, उनका भृगु बिंदु उनके प्रथम भाव में है किंतु उनका लग्नेश 0 अंशों पर है और अति कमजोर है और पिटा हुआ है चारों तरफ से। उनको इसका लाभ कैसे होगा? हो ही नहीं सकेगा। उनको या तो अपने लग्नेश को पहले बलि करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं दूसरे भाव में भृगु बिंदु होने से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दूसरे भाव में भृगु बिंदु होता है तो व्यक्ति अपने कुटुंब से, अपने परिवार से जुड़कर, क्योंकि दूसरा भाव आवास का है, तो आवास के माध्यम से अर्थात अपनी आवाज को प्रयोग करके वो अनेकों विधियों के द्वारा धन कमा सकता है, धन को जमा कर सकता है, जमा धन के प्रयोग के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, रत्नों के द्वारा, या फिर वो अपनी आरंभिक शिक्षा, क्योंकि दूसरे भाव में आरंभिक शिक्षा ही देखी जाती है, तो उसे जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिली होती है वो भी उसका भाग्य बन जाती है। आरंभिक शिक्षा के माध्यम से, गायन के माध्यम से, बैंकिंग और बैंक बैलेंस, सोना चांदी आदि धातु के साथ, अक्सर इन्हीं घटनाओं और इन्हीं चीजों के साथ व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है। व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति के परिवार और धन पर ही हावी रहता है। तीसरे भाव में भृगु बिंदु हो तो व्यक्ति अपने मित्रों, छोटे बहन भाइयों, कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्कल, व्यापार के माध्यम से, कम दूरी की छोटी यात्राओं से, चित्रकला के द्वारा, लेखन के द्वारा, मीडिया में आकर, आईटी के द्वारा, कंप्यूटर और रचना के माध्यम से कर्मों को दर्शाता है। व्यक्ति का भाग्य उसके भाई बहन, लेखन और यात्रा और उसके धैर्य, जोश और मेहनत से जुड़ा रहता है। अब हम जानेंगे कि जब चौथे भाव में भृगु बिंदु होगा तो व्यक्ति का भाग्य किस तरह काम करेगा। चौथे भाव में भृगु बिंदु होने से व्यक्ति का भाग्य उसके मानसिक सुख में, उसके भवन में अर्थात उसके घर से, उसकी माता से, दशम भाव सरकार का होता है तो चौथा भाव जनता के लिए होता है, तो उसे जनता के माध्यम से या उसकी संपत्ति के द्वारा, उसकी जो घर, गाड़ी, वाहन है या फिर उसने जो प्रशिक्षण लिए हुए हैं, उन सब के साथ उस व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है, अर्थात इन्हीं चीजों के द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि पंचम भाव में भृगु बिंदु हो तो हमारे कर्म के द्वारा, खोज के द्वारा, आविष्कार के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा, शिक्षा, हाई शिक्षा अर्थात यहाँ पर आपने जो उच्च दर्जे की शिक्षा ली है उसके द्वारा, या फिर जो आपने मंत्र जाप किया है, मंत्रणा की है, या कुछ भी नया सीखने की आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है उसके द्वारा भी आपका भाग्य जुड़ सकता है। आपका भाग्य ज्योतिष में, या विज्ञान में, या सरकार के द्वारा, या सामान्य क्षमताएं हैं जो आपकी, सरकारी मुद्दे हो सकते हैं, संतान के साथ जो विषय जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपकी संतान ही आपका भाग्य बन जाए, या फिर आपका पूरा ध्यान ही अपनी संतान के तरफ रहे। ये कलात्मकता का भी भाव है, आर्ट का भाव है, तो कलात्मकता की जहाँ रचनाएं या रचनात्मकता के माध्यम से भी ये आपका भाग्य बताता है। व्यक्ति का भाग्य उसकी संतान, उसकी मंत्र जाप, उसकी शिक्षा, नवीन चीजों की खोज, क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। छठे भाव में यदि भृगु बिंदु होगा तो कड़े प्रयासों के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, हो सकता है आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़े, कंपटीशन करने पड़े, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के साथ जुड़ा हुआ आपका भाग्य हो सकता है। रोजमर्रा की गतिविधियों, सेवा भावना, कानून, मातृपक्ष के रिश्तेदार, आपके मामा मौसी भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका भाग्य जुड़ा हो सकता है, जहाँ आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य उनके साथ जुड़कर ही कुछ अच्छा कर पाने का
आपका भाग्य हो सकता है, अदालत हो सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकते हैं, मुकदमे झगड़े भी हो सकते हैं आपका भाग्य, बीमारी हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि आपने बीमार होना है, बीमारी के अलावा आप इलाज करने वालों में भी तो शामिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ जुड़ सकते हैं। जातक का भाग्य लोगों की सेवा करने में होता है, आपसी स्पर्धा में भी हो सकता है और शत्रुओं की गतिविधियों के आसपास ही उस व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है। यदि सातवें घर में भृगु बिंदु हो तो जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के साथ जहाँ आपका जो बिजनेस पार्टनर है ना उसके साथ मिलकर भी जो आप संयुक्त प्रयास करते हैं उनमें भी आपका भाग्य जुड़ा हो सकता है, आपका जीवन का पथ हो सकता है वही अंतिम हो। आपका व्यवसाय और आपका विवाह संस्था के साथ जुड़कर जो आप कार्य करेंगे वो कर्म आपका भाग्य बन सकते हैं। जीवन साथी रिश्तों और व्यापार के आसपास व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है, वो इन्हीं चीजों के आसपास घूमता रहता है। यदि आपका भृगु बिंदु आठवें भाव में आ रहा है तो डरिए मत। हाँ ये ठीक है कि कठोर प्रयासों के साथ कभी कभी अपमानजनक हालातों में भी, कभी कभी अपमानजनक प्रयासों के माध्यम से भी हो सकता है कि आपका भाग्य जाग जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। टैक्स विभाग, बीमा विभाग, ससुराल के धन के द्वारा, उद्योग धंधे के द्वारा तनाव भी कभी कभी आपका भाग्य बन सकता है। आठवें भाव से दवाइयों, खासकर जो देसी दवाइयां होती हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरों का जो धन है, मतलब आपने नहीं कमाया, जो दूसरों का धन है वो भी आपका भाग्य बन सकता है। एक तरफा नकदी, रहस्यमय चीजों की खोज के साथ जुड़कर, जैसे ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़कर, गूढ़ विद्याओं के साथ जुड़कर, ज्योतिष से भी जुड़ सकते हैं आप। इसके अलावा समुद्री जहाज के द्वारा विदेश की यात्रा को भी ये भृगु बिंदु प्रदर्शित करता है। व्यक्ति का भाग्य उसकी ससुराल, विरासत और गुप्त रहस्यों के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। यदि भृगु बिंदु नवम भाव में आ जाए, जब नवम भाव में भृगु बिंदु आता है तो व्यक्ति के उच्च कर्म के माध्यम से उसका भाग्य जागृत होता है, या वो अपने उच्च कर्म की तरफ ही लगा रहता है। उसकी यही अभिलाषा होती है कि मैं कुछ इतना अच्छा कर दूं कि लोग मुझे याद रखें। उसकी उच्च शिक्षा के माध्यम से उसका भाग्य जुड़ा हो सकता है, उसका जो भाषण है, लेख व्याख्यान है, लिखने का ढंग। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों के माध्यम से भी, किसी गुरु के माध्यम से भी उसका भाग्य चमक सकता है। किसी अन्य धर्म में भी वो जा सकता है, क्योंकि अगर वहां पर राहु इत्यादि है या फिर राहु का प्रभाव है तो वो किसी अन्य धर्म में भी जुड़ सकता है। धर्म संबंधी मुद्दों के माध्यम से, जहाँ कानून व्यवस्था के द्वारा, न्यायालय, न्यायाधीश, वकालत, इसके साथ भी उसका भाग्य जुड़ सकता है। लंबी यात्राएं, क्योंकि नवम भाव से लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, विशेषकर धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं, तो लंबी यात्राओं के इर्द गिर्द व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है। इस तरह व्यक्ति का भाग्य धार्मिक स्थान, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ा हो सकता है। यदि दशम भाव में भृगु बिंदु आ जाए तो दशम भाव तो कर्म स्थान है, आपके व्यवसाय का भाव है, जीविका चलाने के लिए जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें, वो दशम भाव से देखा जाता है। तो दशम भाव में जब भृगु बिंदु आता है तो सबसे पहले तो आप पिता के माध्यम से आपसे वो कर्म करवाता है। आपको जश प्रसिद्धि आपके पेशे अर्थात व्यवसायिक कारोबार से और नाम से व्यक्ति का भाग्य जुड़ा रहता है। व्यक्ति जीवन भर इसी इच्छा के साथ कार्य करता है कि समाज में उसका नाम होगा। यदि ग्यारहवें भाव में भृगु बिंदु होता है तो आपकी जो मित्र मंडली है ना, जहाँ आपके बड़े बहन भाई हों, वो आपकी इच्छाएं पूरी करने का साधन बन सकते हैं, बनते हैं बल्कि। जो वरिष्ठ परिजन हैं आपके, जिनके ऊपर अपनी अपेक्षा रखी होती है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको जीवन में मिलने वाला जो धन लाभ है, नगद लाभ है, उसके द्वारा भी आपका भाग्य जुड़ा हो सकता है। आप जो चीजें खरीदते हैं, खरीदी हुई वस्तुओं के द्वारा भी आपका भाग्य उदय हो सकता है, जहाँ वेब डिजाइनिंग के द्वारा, कंप्यूटर विज्ञान के साथ कार्य करके ग्यारहवें भाव का भृगु बिंदु ये दर्शाता है आप किन किन माध्यमों से अपने भाग्य को जागृत कर पाएंगे। मित्रों और बड़े बहन भाइयों से भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ग्यारहवें भाव में जिसका भी भृगु बिंदु आता है उसे अपनी जो इच्छा पूरी करनी होती है पहले स्वयं ही उसके लिए कार्य करना पड़ता है और वो जीवन
जीवन में जो कुछ भी नया करना चाहता है उसके लिए भी उसे स्वयं ही आगे होकर उस कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारा अंतिम भाव है 12वां भाव, व्यय भाव, खर्च का भाव। अगर किसी का भृगु बिंदु खर्च के भाव में आ जाए, क्योंकि ये भाव विदेश का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है और लंबी यात्राओं का तो है ही, साथ ही ये एकांत का भी। 12वें भाव में भृगु बिंदु विदेश के बारे में बताता है, आपके मोक्ष के बारे में बताता है। 12वें भाव का संबंध हॉस्पिटल, जेल से भी है। ये उपहार के माध्यम से भी आपके कर्म का प्रदर्शन करवा सकता है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए विदेश यात्रा करवा सकता है ना हैरानगी की बात कि मोक्ष लेना है तो विदेश की यात्रा। आपको एकांत का सहारा लेना पड़ सकता है। व्यक्ति का भाग्य घर से दूर रहकर विदेश में हो सकता है, हॉस्पिटल में या जेल में ही बीते, क्योंकि जेल के साथ भी ये आपका भाग्य जुड़ा हो सकता है यदि कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं है। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो यहाँ आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और यदि कर्म बुरे हैं तो बुरे कर्मों के कारण जहाँ पहुंचना पड़ सकता है तो दंड भुगतना भी पड़ सकता है। विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के मित्र भी हो सकते हैं और जेल के मित्र भी हो सकते हैं और आपके विदेश के मित्र भी हो सकते हैं, वो ही व्यक्ति का भाग्य बन जाते हैं। साथियों, इस तरह आप देखें कि भृगु बिंदु आपके किस भाव में है, उस भाव के कारक तत्व देखें, फिर आप ये देखें कि उस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो किस भाव में बैठा है, उस भाव के कारक तत्व देखें, अब उस भाव में कौन सा नक्षत्र है ये भी देखें, उस भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनके कारक तत्वों को भी देखें, उस भाव को दृष्टि देने वाले जितने भी ग्रह होंगे उनके कारक तत्वों को भी देखें। भृगु बिंदु अधिक सटीकता से फलित तभी कर सकते हैं जब हम इन सभी बिंदुओं पर या इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। अगर संबंधित भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा अशुभ ग्रहों के बैठने से अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहे हैं ये भी आखिरी निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।